हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मैं और अच्छा करने वाला हूँ उन टॉपिक्स के बारे में बता के जो आपके पेपर में आएंगे। देखो, आपने भरोसा किया था इकोनॉमिक्स में, मैं आपके भरोसे पर खड़ा उतरा या नहीं उतरा, बस ये बता। तो इसीलिए बताने वाला हूँ कि बस इतना कर लो, बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं में से टॉपिक्स आएंगे, यही आएगा एज इट इज। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बस सपोर्ट करने का जो अभी तक आप कर रहे हो। अपने डाउट्स के लिए, क्वेरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप इस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और मैं बात कर लेते हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहला, जितनी भी प्रोसेस है हमारी फंक्शंस की, किसके मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, उस सभी के प्रोसेस आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। उसके बाद हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके आपको फीचर्स आने चाहिए, और फीचर्स के साथ साथ जो हमारे डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन जो हमारा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और प्लस डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी आने चाहिए। उसके बाद आपको एक इमेज दी जाएगी जो कि इमेज रिलेट करेगी सेम डायमेंशन से। डायमेंशन देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे किस डायमेंशन की बात हो रही है। बेसिकली सोशल और टेक्निकल के आने के चांसेस ज्यादा है। फिर आपको आना चाहिए मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। इस पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़े में भी क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपको जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस, सेबी के बारे में डिटेल, सेबी क्या है, सेबी का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, सेबी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको फिलोसफीज दे रखी हैं, वो फिलोसफीज अच्छे से आने चाहिए। P4, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके फैक्टर्स जो रिलेट करते हैं BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद जो सोर्सेज है हमारे रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर में, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्रिटिकल पॉइंट वाला, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला, क्लाइंट कोड नंबर, यूनिट नंबर, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में राइट्स क्या क्या है हमारे पास, और अगर आपको एक केस स्टडी देखने को मिलेगी जहां पे कंज्यूमर ने क्या इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो गई, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने पैसे का केस कहां पर वो कर सकता है। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है उसके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री लेन। इंसेंटिव के बारे में आना चाहिए आपको, फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं, इस पर आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा। डिसीजन है आपके फाइनेंशियल वाले चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इन तीनों डिसीजन के बारे में आपको आना चाहिए, और उनके जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आएगा ही आएगा आपका। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आपको 14 प्रिंसिपल्स वहां दे रखे हैं और बाकी के दे रखे हैं, हेनरी फ्योल और टेलर जी के सारे प्रिंसिपल्स आपको डीपली अच्छे से आने चाहिए। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट की जो लेवल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ये आपको आने चाहिए। तो अभी आपको इतना करना है अच्छे से, और गारंटी अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो मोर देन 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बाकी मैं धीरे धीरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी चीजें लाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस पर फोकस करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।